छत्तीसगढ़ में हुई नक्सली घटना में प्रदेश के नक्सली भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी इस बात से इनकार नहीं कर रहे। उधर छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद प्रदेश की राजनीतिक यात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों की स्थितियों की भी नए सिरे से समीक्षा की जा रही है। इसके लिए डीजीपी नंदन दुबे 31 मई को इन जिलों का दौरा करेंगे। शिवराज कैबिनेट ने सभी पुलिसकर्मियों को मकान देने का फैसला किया है। सरकार आरक्षकों के लिए 8,000 मकान जो उन्हें किश्तों में दिए जाएंगे। कैबिनेट ने इन्वेस्टर्स को सरकारी दखल रहित जमीन आवंटन के लिए नई नीति का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया है। कैबिनेट ने देवास के उदयनगर और अशोकनगर की नई सराय को तहसील बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया है। कैबिनेट में टीटी नगर रिडेंसिफिकेशन पर कोई फैसला नहीं हो सका। इस मामले को फिलहाल कैबिनेट की सब कमेटी को सौंपा गया है। सप्लीमेंट्री से दुखी 10वीं के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला कमलनगर के अम्बेडकर नगर का है। घटना के वक्त मृतक के माता पिता काम पर गए हुए थे। मृतक के रिश्तेदारों के मुताबिक विशाल अपने माता पिता की इकलौती संतान था और उसका जन्मदिन भी था। नरसिया रोड स्टेट हाईवे पर जाम ने लोगों को परेशान कर रखा है। आलम यह है कि भोपाल टॉकीज से डीआईजी मंगले तक की करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए गाड़ी से 20 से 25 मिनट तक का समय लग जाता है। ये कारण है दोनों किनारों पर खड़े हाथ ठेलों की वजह से। 80 फीट चौड़ी सड़क सिकुड़कर महज 15 फीट बचती है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई है। नगर निगम की जनसुनवाई में महापौर आती नहीं है, जिस वजह से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ये आरोप लगा है नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर। सगीर इस मंगलवार को जनसुनवाई की स्थिति देखने पहुंचे थे। कलेक्टर जनसुनवाई में नरेला शंकरी के किसानों ने 132 एकड़ जमीन का गलत तरीके से अधिग्रहण किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। नरेला शंकरी विस्थापित पुनर्वास अभियान संस्था के मुताबिक इसको लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्र और प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कोहेफिजा थाने के सामने दिए गए धरने में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। शासकीय तिथि पर कर्मचारी और करीब 70 संगठनों की 26 जून को होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल निरस्त कर दी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद हड़ताल निरस्त की गई है। आईएस ग्रुप की ओर से एकांत पार्क में समर कैंप लगाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भाग रहे हैं। समर कैंप में बच्चों के लिए तमाम तरह के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ ही अभिभावकों और अपने से बड़ों का आदर करना भी सिखाया जा रहा है, साथ ही हेल्थ टिप्स भी दिए जा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने छोला रोड स्थित वीर सावरकर चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया। नौतपे के 14 दिन गर्मी के तीखे तेवरों के चलते लोगों को चौभन भरी गर्मी का एहसास तो हुआ, लेकिन तापमान फिलहाल 40 से 41 डिग्री के बीच ही बना हुआ है। हालांकि सुबह 8:30 बजे के ही पारा 37 डिग्री के पार हो गया। उधर मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के चलने से नमी बनी हुई है। चुनावी साल में कर्मचारियों को लुभाने में लगी सरकार ने उनकी 1 जनवरी से डीए देने की मांग भी पूरी कर दी है। सीएम ने केंद्र के बराबर 8% डीए का ऐलान किया था, जिसके बाद कर्मचारी इसका फायदा 1 जनवरी 2012 से दिए जाने की मांग कर रहे थे। ब्यावरा से भोपाल तक गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम गेल कंपनी करेगी। इसके बाद घर घर में पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सप्लाई की जाए। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखेगी, जिसके बाद केंद्र गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देशित करेगी। ये निर्णय नगरीय प्रशासन मंत्री के बंगले पर हुई बैठक में हुआ।